हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, ओके, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट. Now, see, we have seen we can check maxima and minima with the help of first order test as well as second order test. First order derivative test, second order derivative test. First order derivative test में हमें first order derivative तो जरूर होता ही है, that is compulsory for each and every test. ठीक. Second thing, neighborhood check करते हैं. हम neighborhood check करते हैं first derivative test में. Second derivative test में हम फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव चेक करते हैं एंड देन वी डिसाइड वेदर इट इज मैक्सिमा और मिनिमा. ठीक है, देखिए हमेशा कभी भी फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट दो इट इज अपीयरिंग इन द सीक्वेंस ऑफ द फर्स्ट नंबर बट इट हैज टू बी यूज्ड ऑफ द सेकंड नंबर. मतलब क्या, हम पहले सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करेंगे विच इज क्वाइट इजी क्योंकि फिर फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में हमें लेस देन ग्रेटर देन वो सारा चेक करना होता है ना, लेस देन ग्रेटर देन, और उसमें भी चेक करना था पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा. सो डायरेक्टली अब सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, इफ इट इज इजी टू फाइंड आउट द सेकंड डेरिवेटिव देन वी विल परफॉर्म सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट. लेकिन दो केसेस में हमें फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट यूज करना पड़ सकता है. फर्स्ट थिंग, या तो आपका सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट हम कब यूज नहीं कर सकते, या तो सेकंड डेरिवेटिव निकालना बहुत कॉम्प्लिकेटेड अगर होगा तब तो. ठीक है ना, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के लिए आपको सेकंड डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, और अगर सेकंड डेरिवेटिव निकालने के लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा देन वी विल यूज फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट. सेकंडली, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में हम क्या चेक करते हैं कि अगर सेकंड डेरिवेटिव लेस देन जीरो आया तो मैक्सिमा है, ग्रेटर देन जीरो आया, लेकिन अगर इक्वल टू जीरो आया तो क्या करें. है ना, सेकंड डेरिवेटिव हो सकता है दो भी इक्वल टू जीरो आ गया, देन इन दैट केस ऑल्सो यू कैन अगेन गो बैक टू फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट. ठीक, तो ये दो तरीके से कर सकते. अब अगर मान लीजिए आपने सेकंड डेरिवेटिव निकाल ही लिया है और वो सेकंड डेरिवेटिव जीरो आ गया, तो उसके आगे हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट भी है, मतलब थर्ड डेरिवेटिव, फोर्थ डेरिवेटिव, फिफ्थ डेरिवेटिव, ऐसा करते हुए वी कैन चेक वेदर इट इज मैक्सिमा और मिनिमम. ठीक, सो लेट अस राइट डाउन दैट. तो फर्स्ट स्टेज जो हमेशा हम करते हैं हायर डेरिवेटिव को, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट हमने अलग लिखा, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट अलग लिखा. अब हम हायर डेरिवेटिव, जब सेकंड डेरिवेटिव फेल होगा तो उसके आगे क्या, वो चीज हमें देखना है. तो फर्स्ट फाइंड f डैश ऑफ x, फाइंड f डैश ऑफ x एंड पुट f डैश ऑफ x इक्वल टू जीरो एंड फॉर दिस लेट x is equal to a be the solution. जब आपने f dash of x equal to zero कर दिया तो आपको x is equal to a solution मिल गया. ठीक है, so it means either this is the critical point. I will say it is the critical point. Either maxima or minima or nothing. Nothing भी हो सकता है. ठीक है, तो ये हमें check करना है कि whether it is maxima or minima or not. So second find में हम check करेंगे find f डबल डैश ऑफ एक्स एंड एक्स इज इक्वल टू ए. अब एफ डबल डैश ऑफ एक्स तो हमें एफ डैश ऑफ एक्स से मिल जाएगा एंड देन इट हैज टू बी फाइंड आउट एट एक्स इज इक्वल टू ए, मतलब एफ डबल डैश ऑफ ए हमें मिलेगा. अब इस एफ डबल डैश ऑफ ए को हमें चेक करना है. सो इफ एफ डबल डैश ऑफ ए इज लेस देन जीरो, दैट इज व्हाट इट इज नेगेटिव, then x is equal to a is a point of maxima. Second, ये हमें मालूम है, हम कोई नई चीज नहीं लिख रहे. Second, if f double dash of a greater than zero होगा, that is positive होगा, then x is equal to a is a point of minima. यहां तक तो हमें मालूम है कि हमने सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में यही लिखा है. लेकिन अगर थर्ड केस में देखिए, सेकंड डेरिवेटिव लेस देन जीरो मतलब नेगेटिव या तो पॉजिटिव, इक्वल टू जीरो आ गया तो क्या करें. सो क्या करें, थर्ड इसमें इफ एफ डबल डैश ऑफ ए इक्वल टू जीरो
then we have to proceed to step third. Then proceed to step third. हम third stage में चले जाएंगे. First step, second step अब आएगा आपका third step. Third step में हमें find करना है तीसरा derivative, मतलब ये triple dash of x at x is equal to a. ठीक है, वहाँ find लोग ये triple dash of x at x is equal to a. और अगर ये ट्रिपल डैश ऑफ एक्स ए जो है इट इज नॉट इक्वल टू जीरो, अब यहाँ पर अलग अलग केस हम लिखेंगे. इफ एफ ट्रिपल डैश ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, देन देन एक्स इज नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, कुछ भी नहीं है. अगर थर्ड डेरिवेटिव आपका नॉट इक्वल टू जीरो आता है तो कुछ भी नहीं है, और अगर थर्ड डेरिवेटिव आपका जीरो आता है तो हम फोर्थ डेरिवेटिव निकालेंगे. ठीक है, थर्ड डेरिवेटिव हमने निकाला नॉट इक्वल टू जीरो, तो इसका मतलब एक्स इज नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, इट इज जस्ट अ क्रिटिकल पॉइंट, इट इज जस्ट अ क्रिटिकल पॉइंट. तो जो सेकंड पॉइंट है इसमें हम लिखेंगे इफ F triple dash of A is equal to zero, then find F4 of A. फिर हम फोर्थ डेरिवेटिव निकालेंगे. अगर ये जीरो आ जाता है तो हम फोर्थ डेरिवेटिव निकालेंगे, और फोर्थ डेरिवेटिव से हम चेक करेंगे कि अगर ये पॉजिटिव है तो मिनिमा, मतलब ये जो सेकंड डेरिवेटिव के लिए था, है ना, सेकंड डेरिवेटिव के लिए जो केस था, देखिए फोर्थ डेरिवेटिव पॉजिटिव अगर है तो मिनिमा, नेगेटिव अगर है तो मैक्सिमम. तो हमने फाइंड आउट कर लिया, देन फाइंड योर फोर्थ ए, दैट इज फोर्थ डेरिवेटिव, और इसमें ए लिखते हैं हम इफ योर फोर्थ ए इज लेस देन जीरो, दैट इज नेगेटिव, देन एक्स इज इक्वल टू ए इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा. ठीक है, और भी हम लिखेंगे अगर आपका एफ फोर ए जो है ग्रेटर देन जीरो है, मतलब कि पॉजिटिव है, देन एक्स इज इक्वल टू ए इज अ पॉइंट ऑफ मिनिमा. तो ये ऑड इवन से चेक होता है. दिस चेकिंग इज डन बाय यूजिंग ऑड इवन. जैसे फर्स्ट डेरिवेटिव, देखिए फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो, सेकंड पे हमें मैक्सिमा मिनिमा मिलेगा. थर्ड डेरिवेटिव अगर जीरो हुआ तो हमें आगे अगेन फोर्थ पे मैक्सिमा मिनिमा मिलेगा. ध्यान रखिए, कैसे पैटर्न ध्यान में रखना है, पैटर्न कैसे होगा, फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो, सेकंड पे मैक्सिमा मिनिमा डिसाइड होगा लेस देन जीरो ग्रेटर देन जीरो से. अगर सेकंड पे आप डिसाइड नहीं कर पाए, अब सेकंड पे डिसाइड क्यों नहीं हुआ, क्योंकि जो हमारा सेकंड डेरिवेटिव है इक्वल टू जीरो आ गया, लेस देन जीरो या ग्रेटर देन जीरो आना चाहिए था, लेकिन वो क्या आ गया, इक्वल टू जीरो आ गया, तो हमने थर्ड डेरिवेटिव निकाल लिया. थर्ड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू अगर जीरो होगा तो इसका मतलब कि नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, कुछ भी नहीं. ठीक है, लेकिन अगर थर्ड डेरिवेटिव जीरो हुआ तो इससे ऐसा हो गया, फिर देखिए थर्ड डेरिवेटिव जीरो, इसका मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो, फिर थर्ड फर्स्ट के बाद हम सेकंड चेक करते हैं लेस देन जीरो ग्रेटर देन, तो थर्ड के बाद हम फोर्थ चेक करेंगे लेस देन जीरो ग्रेटर देन जीरो. ठीक है, बट ऑब्वियसली दिस प्रोसीजर इज ओनली यूज व्हेन एवर इट इज क्वाइट इजी टू फाइंड आउट द हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, है ना, अगर इजी होगा तो, और नहीं तो नेबरहुड टेस्ट करेंगे. सो दिस इज अबाउट हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट. Let us take one example on this. Find the points of local maximum and local minima if any of the function x minus 1 x plus 2 bracket square. तो ये वही function है जो हमने लिया था. Find maxima and minima for
f of x equal to x minus 1, x plus 2 bracket square. Now this is the same function which we have evaluated using first derivative. Now we are evaluating this one using second derivative. अब क्या है, फर्स्ट डेरिवेटिव होता है, सेकंड डेरिवेटिव होता है, हमें तो पहला डेरिवेटिव तो निकालना ही होता है, तो मैं यहाँ पर एफ डैश ऑफ एक्स निकाल लेते हैं, व्हिच इज नथिंग बट फर्स्ट इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, और इसमें हमने एक्स प्लस टू कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में हो जाएगा टू एक्स माइनस टू प्लस एक्स प्लस which is equal to minus 2 plus 2 cut ho gaya 3x in bracket x plus 2. So that is first derivative. For maxima or minima, condition hota hai f dash of x equal to 0 implies what? 3x in bracket x plus 2 is equal to 0. So it means x is equal to 0 or x is equal to minus 2. Let us find out second derivative. Where is the second derivative? ये क्वेश्चन हमने यहाँ तक तो फर्स्ट डेरिवेटिव सेम ही रहेगा, यहाँ से आगे हमने क्या था फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लास्ट लेक्चर में, अब हम करेंगे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। अब उसके लिए हमें सेकंड डेरिवेटिव मतलब ये डबल डैश ऑफ एक्स निकालना होगा, ये एफ डैश ऑफ एक्स हमारे पास यहाँ पर है, ठीक है, इसे मैं फर्स्ट बोल देता हूँ, सेकंड, तो फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस second into derivative of first. This is nothing but 3x plus 3x plus 6. That is 6x plus 6. Second derivative. दोनों जगह पर हमें check करना है, ठीक है? तो ये double dash of 0, x is equal to 0 पर check कर रहे हैं सबसे पहले। ये double dash of 0 is equal to almost 6 into 0, 0 plus 6. That is 6 greater than 0. And therefore, x is equal to 0 is a point of minimum. और f minimum भी हमें निकालना होगा, तो हम निकाल सकते हैं f minimum by putting x is equal to 0 in the given function. ये हो जाएगा 0 minus 1, मतलब minus 1, यहाँ पर होगा 0 plus 2, 2, का square, 2 का square 4 into minus 1, minus 4. Next, x is equal to minus 2 पे हम चेक करते हैं, तो हो जाएगा ये f double dash of minus, ठीक है, 6x मतलब 6 into minus 2, that is minus square plus 6, which is equal to minus 6, that is less than 0. अब maximum number of cases में observe करेंगे, अगर हमें ये दो points मिलते हैं ना, तो second ऐसा plus 6 minus 6 इसी टाइप से आता है, maximum जगह पर, जरूरी नहीं है, ऐसा कोई rule नहीं, ठीक है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी विल ऑब्जर्व दिस वन, 6 माइनस 6, 3 माइनस 3, इस तरीके से। अब अगर ये लेस देन 0 है, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो पॉइंट है माइनस इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, ठीक है, और फिर ये अब मैक्स कितना होगा, ये अब मैक्स बोलिए या फिर y मैक्स बोलिए, क्योंकि y इज इक्वल टू f ऑफ x होता है, ये हमेशा ध्यान रखना, तो f max क्या हो गया, हमें x की वैल्यू माइनस टू लिखनी, तो माइनस टू माइनस वन दैट इज माइनस थ्री, माइनस टू प्लस टू जीरो का स्क्वायर, तो दिस इज नथिंग बट जीरो। अब आप बोलेंगे सर मैक्सिमम वैल्यू जीरो कैसे हो सकती, हो सकती है, मैक्सिमम वैल्यू जीरो है, मिनिमम वैल्यू माइनस फोर है, जो हमने एक मैंने ग्राफ निकाल कर दिया था आपको, एक फंक्शन का हमने ग्राफ निकाला था, तो मैक्सिमा एंड मिनिमा जस्ट रिमेम्बर, लिखने की जरूरत नहीं, ध्यान में रखना है कि मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑलवेज ऑफर अल्टरनेटिवली, है ना, एक मैक्सिमा आएगा फिर मिनिमा आएगा, एक मैक्सिमा आएगा फिर मिनिमा आएगा, मतलब क्या, फर्स्ट वेव आएगा फिर खत्म होगा, फिर सेकंड वेव आएगा फिर खत्म होगा, फिर थर्ड वेव आना नहीं चाहिए,
सकता है आएगा, हो सकता है नहीं भी आएगा, ठीक है। सो दैट इज द ट्रेंड, दैट इज द ट्रेंड एवरीवेयर। जो भी चीज ऊपर जा रही है उसको नीचे आना ही है, और एक बार फिर नीचे आ गई तो फिर वापस उसको ऊपर जाना ही है। सो दैट इज द नेचुरल। तो सेम चीज हैपेंस विद द फंक्शंस आल्सो, ठीक है। इफ वी आर हैविंग नंबर ऑफ मैक्सिमा एंड नंबर ऑफ मिनिमा इन ए पर्टिकुलर इंटरवल, देन दे ऑलवेज ऑफर इन पेयर्स। मैक्सिमा आएगा फिर मिनिमा, फिर मैक्सिमा फिर मिनिमा, ठीक है, अल्टरनेट आते हैं। अब यहाँ पर कुछ हम पॉइंट्स लिखेंगे जो हमने शो दैट के किए थे। तो ये नोट में आप लिखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। फर्स्ट वन, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल विथ गिवन perimeter, the area of the rectangle with given perimeter is greatest when it is a square, is greatest when it is a square. Now most of the things out of this we have proved in boards, है ना, boards में हमने बहुत सारे factors दिए कि अगर कोई भी एक rectangle है with given perimeter, perimeter में दे दिया, ठीक है, तो उसका जो एरिया होगा वो मैक्सिमम कब होगा, जब वो स्क्वायर होगा, ठीक है। सो दैट इज द फर्स्ट। सेकंड वन, द पेरिमीटर ऑफ रेक्टेंगल विद गिवन एरिया इज लेस व्हेन इट इज अ स्क्वायर। अब उल्टा, अब इससे उल्टा, द पेरिमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल विद गिवन एरिया इज लेस, is least when it is a square. तो अगर हमें गिवन रेक्टेंगल है जिसका कि हमें एरिया मालूम है, हमें एरिया मालूम है, तो उसका पेरीमीटर मिनिमम कब होगा, जब वो स्क्वेयर होगा। थर्ड वन, द ग्रेटेस्ट रेक्टेंगल इंस्क्राइब्ड इन ए गिवन सर्कल। थर्ड वन, the greatest rectangle inscribed in a given circle. यहाँ पर given क्या है, देखिए given क्या है, given is circle, ठीक है, circle is given. अब उसमें हमें greatest rectangle अगर fit करना होगा, so it is always a square. So the greatest rectangle inscribed in a given circle is a square. हमेशा ही तो स्क्वायर होगा। फोर्थ वन, द ग्रेटेस्ट ट्रायंगल, द ग्रेटेस्ट ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड इन अ गिवन सर्कल इज इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो ये दोनों पॉइंट्स खास करके ध्यान में रखिएगा, ठीक है, दोनों पॉइंट्स खास करके ध्यान में रखिएगा कि अगर किसी भी सर्कल में मुझे रेक्टेंगल फिट करना है तो ग्रेटेस्ट मतलब जिसका कि एरिया सबसे ज्यादा होगा वो कौन सा रेक्टेंगल होगा, जो स्क्वायर होगा, ठीक। और अगर वही मुझे ट्रायंगल अगर फिट करना है तो ग्रेटेस्ट ट्रायंगल इज इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो ये दोनों भी केसेस में क्या है, ऑल द साइड्स आर इक्वल, स्क्वायर के ऑल द साइड्स आर इक्वल, इक्विलैटरल ट्रायंगल मतलब ऑल द साइड्स आर इक्वल। फॉर्मूले हम ऑलरेडी देख चुके सारे, आपको एक बार लिखने हैं, लर्न करने हैं, देन लेट अस राइट डाउन सम शॉर्टकट्स। कुछ शॉर्टकट हम यहां पर लिखते हैं, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर मैं इसे मिटाता हूं।
So first one, for x belongs to R. For x belongs to R. देखिए यहाँ पर कुछ समस्या पांच और तो सेवन पॉइंट्स आते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज फॉर एक्स बिलोंग्स टू आर, सो इफ एक्स इज एनी रियल नंबर देन एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू टू और एक्स ग्रेटर देन जीरो, मतलब एक्स अगर पॉजिटिव नंबर होगा तो एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू टू, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू टू। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि अगर एक्स ग्रेटर देन जीरो है इसका मतलब ये हमें कहां पर यूजफुल होगा, मिनिमम वैल्यू जो है इस फंक्शन का, ठीक है, मिनिमम वैल्यू इस पर्टिकुलर फंक्शन का एफ मिनिमम इज टू, ये टू से ज्यादा ही होगा। कौन से केस में, यहां पर। सिमिलरली एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इज लेस देन और इक्वल टू माइनस फॉर एक्स लेस देन जीरो, तो अगर एक्स लेस देन जीरो होगा तो हमें एफ मैक्स मिलेगा और वो होगा माइनस टू, दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन इज माइनस टू इफ एक्स इज लेस देन जीरो, ये दोनों कंडीशन ध्यान में रखिएगा। नहीं तो आप बोलेंगे सर मिनिमम टू है मैक्सिमम माइनस टू सेम फंक्शन है ये कैसे, तो ये नहीं, ये इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है इज ग्रेटर देन जीरो या फिर लेस देन जीरो, ठीक है। अब वन बाय टू लेस देन और इक्वल टू साइन रेस टू फोर एक्स प्लस कॉस रेस टू फोर एक्स, अब यू नो दैट साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू वन, ये तो हमें मालूम है वन। अब मैक्सिमा वन क्यों आया है, बिकॉज अगर आप इस एंगल को एक्स को जीरो ले लेते हैं कितना जीरो, तो पांच जीरो कितना हो जाता है वन, साइन जीरो तो सारे जीरो हो जाएंगे और पांच जीरो हो जाएंगे वन, तो मैक्सिमम वैल्यू वन। और अगर आप एक्स इक्वल टू पाई बाय टू लेते हैं तो साइन पाई बाय टू होता है वन, उसकी फोर्थ पावर सिक्स पावर सेकंड पावर टू जो भी पावर साइन पाई बाय टू कितना होता है वन होता है, तो इधर वाले जो टर्म्स है वन होंगे, इधर वाले टर्म जीरो हो जाएंगे,
वन प्लस जीरो इज अगेन वन, तो मैक्सिमम वैल्यू इसके हमेशा वन होगी, मिनिमम वैल्यू डिपेंड करती है कितनी होगी, साइन रेस टू फोर प्लस कॉस रेस टू फोर का तो वन बाय टू, साइन रेस टू सिक्स प्लस कॉस रेस टू सिक्स वन बाय फोर, साइन स्क्वायर प्लस कॉस रेस टू फोर आपको मिलेगी थ्री बाय फोर। ठीक, नाउ नेक्स्ट, अगर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको गिवन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एंड इफ वैल्यू ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल बोलेंगे, इक्वेशन तो हम बोलेंगे नहीं क्योंकि इक्वल टू जीरो तो है नहीं, है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब इक्वल टू जीरो हो जाता है तब वो मुझसे बोलते हैं इक्वेशन, दिस इज क्वाड्रेटिक इन इक्वेशन, लेट अस से सो आइदर दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ग्रेटर देन जीरो और दिस क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल इज लेस देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो होगा तो लेस देन जीरो होगा और इक्वल टू जीरो होगा तो इक्वल टू जीरो होगा, तो वैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा और उसे कैसे सॉल्व करना है हम पढ़ चुके हैं टेंथ में, ठीक है, हमने टेंथ में पढ़ लिया। अब अगर ये क्वाड्रेटिक जो पॉलीनोमियल है इट इज ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल एक्स, देन दिस इंप्लाइज व्हाट, दिस इंप्लाइज ए इज ग्रेटर देन जीरो एंड डिस्क्रिमिनेंट मतलब कि बी स्क्वायर माइनस फोर इज लेस देन, नाउ इन बोथ ऑफ दिस टू केसेस डिस्क्रिमिनेंट इज ऑलवेज लेस देन जीरो, दोनों भी केसेस में देखिए दोनों केसेस में डिस्क्रिमिनेंट जीरो है, मतलब कि कॉम्प्लेक्स रूट से इस रूट्स कैसे है कॉम्प्लेक्स दोनों केसेस में। फिर अगर क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल ग्रेटर देन जीरो है तो फिर ए भी ग्रेटर देन जीरो, अगर क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल लेस देन जीरो है तो ए भी लेस देन जीरो, हमें यहां से पता चल जाएगा कि ए पॉजिटिव है कि नेगेटिव है और डिस्क्रिमिनेंट तो हमेशा ही नेगेटिव रहेगा। सो दीज आर सर्टेन शॉर्टकट्स व्हिच विल बी यूजफुल व्हाइल सॉल्विंग सर्टेन प्रॉब्लम्स। तो यहाँ पर कुछ डाउट्स जो सेंड किए थे उसे हम डिस्कस कर लेते हैं, लिस्ट वीडियो मामूली ब्लर है।